कर जय गौ माता। आज हम मकर संक्रांति के दिन सब गाय को गुड़ भी खिलाते हैं और सभी गाय को हम जितनी भी बछड़ी है हमारी हम मिल्क बाहर से ला के हमारी गाय का मिल्क सब मिल करके सब बछड़ियों को पिला रहे हैं और उसका हमने तो हर रोज ही पाते हैं सबको मिल्क, लेकिन आज के दिन हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि मिल्क जो पीती है बछड़ी तो कितनी वो सेहत में रहती है, कितनी हेल्थ रहती है। और ये 8 महीने की बछड़ी है, आप देख सकते हो हमारे सामने ही है। और ये हमारे जो कुबेर बुल है उसकी है। और ये है हमारा बुल भोलू जो कि बहुत पुराना बुल है। हमारे पास एक मीरा नाम की गाय थी, बहुत पुरानी, जो कि हमारे पास ही थी और बहुत उम्र लायक गाय थी, जिसका 20 वेतर तक हमारे पास बच्चा दिया उसने। ये उसी का बुल है और इसका फादर एक हनुमान जी का मंदिर था जो कि सहारनपुर से वो बुल लाए थे और इसका फादर वहाँ का था। और ये भोलू है, ये हो गया कम से कम 14 साल का और आज भी हमारे पास है, आप देख सकते हो। ये भोलू जिसके कान लेंथ बहुत अच्छी है और बहुत ही लंबा चौड़ा है और इसके बच्चे बहुत ही मिल्क में अच्छे आते हैं। पहले वेतर पे एक ही टाइम का 9.5 किलो दूध हमने निकाला है इसकी जो बच्चियां हैं वो। और ज़्यादातर तो इसकी बच्चियां ही आती है, फीमेल ही आती है, मेल कम आते हैं, मेल बहुत कम है इसके। और बहुत ही अच्छा बुल है और लंबा चौड़ाई में बहुत है, थोड़ा दुबला पतला है, लेकिन हमारे पास अब आ गया है फिर से वापस। हम इसको 15-20 दिन में अच्छा कर देंगे और हम सारी गाय पे इसको ही अब डालेंगे और नेक्स्ट टाइम सब इसका ही रिजल्ट आएगा। अभी सब कुबेर से प्रेग्नेंट है और जो भी गाय बच्चा देगी अब वो सेम भोलू को क्रॉस करवाएगी। इसका नाम भोलू है और बहुत ही अच्छा है और आप देख सकते हो इसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। बस और हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि हम ज़्यादातर बछड़ी 12 महीने की होती है ना तब तक हम उसको मिल्क पिलाते हैं पूरा। और ये बछड़ी हैं ये जो 9 महीने की हैं, 9 से 10 महीने की हो गई होगी, ये 12 महीने की हैं और ये है 11.5 महीने की। और ये हो गई हमारी बछड़ी जो कुबेर की भी हैं, ये हो गई 12 महीने की। और इसको तो सभी लोग जानते हैं, इसका तो अभी परिचय देने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे ऊपर इतने कॉल आते हैं। और ये इतना अच्छा बुल है, जो एक हमारे एक इधर एक हमारे फ्रेंड हैं जो कि बहुत अच्छी गाय रखते हैं और महेंद्र सिंह जी धोनी जी हैं उनके खास फ्रेंड हैं और उन्होंने तो काफ़ी समय से हमारे पास ये बुल की मांग की हुई है कि धमा आप मेरे को दे दो, क्योंकि इसकी मदर का उन्होंने मिल्क भी देखा हुआ है, इसका फादर भी देखा हुआ है, इसीलिए देख लिए। ये अभी भी दूध पी रहा है, जो धर्मेंद्र बुल है अपना वो अभी भी दूध पी रहा है। और लगभग गुजरात में ऐसा बुल कम मिलेगा कि 14 महीने का होगा और इतना इसका ग्रोथ होगा। वाह